उदाहरण पाँच, एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, एक लैम्प पोस्ट जिस पर 3.6 मीटर ऊंचाई पर बल्ब लगा है से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है। 4 सेकंड बाद उस लड़की की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, उदाहरण पाँच में एक मज़ेदार समस्या दी गई है और आप देखेंगे कि इस समस्या को हल करने में हम गणित में जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका कैसे उपयोग होता है। यहाँ पर आप देखिए, आपके सामने एक चित्र है और चित्र में एक लैम्प पोस्ट है, एक बिजली का खंभा जहाँ ऊपर बल्ब लगा हुआ है और एक लड़की खंभे के पास से दूर चल के जा रही है और 4 सेकंड बाद वो खंभे बी से डी तक पहुँचती है और हमें यह दिया हुआ है कि इस 4 सेकंड में जो उसके चलने की चाल है वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड है। माने प्रति सेकंड वो 1.2 मीटर चल रही है और 4 सेकंड तक चलने के बाद डी पर पहुंचती है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि 4 सेकंड के बाद ये जो लड़की है उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी। यदि इन सभी जानकारियों को हम गणितीय रूप से प्रदर्शित करना चाहें तो आप देखिएगा, एक त्रिभुज ए बी ई बनता है जिसमें ए बी खंभे की ऊँचाई है, लैम्प पोस्ट की ऊँचाई है और सी डी उस लड़की की ऊंचाई है और डी ई उसकी छाया है। छाया इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ लैम्प पोस्ट में बल्ब लगा हुआ है, ये लड़की का सिर है, उसकी छाया यहाँ पर पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी डी लड़की की ऊंचाई है उसकी छाया डी ई है और इस पूरे चित्र में हमें लड़की की ऊंचाई दी हुई है 0.9 मीटर या 90 सेंटीमीटर है, इसे हमने मीटर में लिखा 0.9 मीटर। खंभे की ऊंचाई 3.6 मीटर है, ये दूरी हमें सीधे तौर पर नहीं दी गई है लेकिन बताया गया है कि 4 सेकंड तक खंभे से उसने रास्ता तय किया है और प्रत्येक सेकंड में 1.2 मीटर चल रही है। तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में 1.2 मीटर चल रही है तो 4 सेकंड में वो 1.2 × 4 यानी 4.8 मीटर चल चुकी होगी। तो ये जो बी डी है वो आपको 4.8 मीटर के बराबर है। बी डी आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, बी डी यानी जो लड़की ने 4 सेकंड में दूरी तय की है वो 4.8 मीटर है। लड़की की छाया को यदि हम एक्स मीटर मान लें तो हमें दो दूरियां यहाँ पर पता चल रही हैं, एक तो बी से डी तक की और दूसरी डी से ई तक की। अब आप देखिए, क्या आप आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं? वो तभी होगा, दो त्रिभुज तो बन रहे हैं जहाँ पर सी डी ई और ए बी ई दो त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है लेकिन दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं ये आपको देखना है। तो आप देखिए, लड़की चूँकि ज़मीन पर खड़ी है और वो आधार के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी, वैसे ही खंभा भी ज़मीन पर खड़ा है वो भी आधार के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। तो ये दो कोण तो आपने 90-90 बराबर कर दिए। अब तीसरा कोण आप देखिए ई को, ई छोटे वाले त्रिभुज सी डी ई में भी है और बड़े त्रिभुज ए बी ई में भी है, यानी ई जो कोण है वो उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में और इसलिए निश्चित रूप से ये जो तीसरा कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी डी ई, इन दोनों त्रिभुजों को आप समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। तो ये सारी शर्तें जो मैंने आपसे कही हैं आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, कोण ए बी ई, पहले तो हम त्रिभुज लिख लें, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी डी ई में कोण ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर कोण सी डी ई, ये दोनों समकोण हैं इसलिए आपस में बराबर हैं। कोण ई दोनों त्रिभुजों में है, कोण ई बराबर कोण ई, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है इसलिए ये बराबर हो गए और तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा ही होगा क्योंकि त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हैं आपस में तो तीसरा कोण भी, दोनों त्रिभुजों का तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई और सी डी ई समरूप हैं, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी डी ई के। अब जब समरूपता की बात आ गई तो आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों
दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा, और उस स्थिति में आप लिख सकते हैं कि ए बी बटे सी डी बराबर बड़े वाले त्रिभुज की पूरी भुजा बी ई और छोटे त्रिभुज की भुजा डी ई। अब एक बार देख लीजिए, ए बी भुजा की तुलना आप कर रहे हैं सी डी से, तो आपने लिखा ए बी बटे सी डी, और इस बी ई भुजा की तुलना कर रहे हैं डी ई से, तो आपने लिखा बी ई बटे डी ई। अब देखिए आपको इसमें किसका किसका मान मालूम है। ए बी का मान मालूम है 3.6 मीटर है, तो ए बी की जगह आप लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ लिखें 3.6 मीटर, तो हम 3.6 लिखें, और सी डी, सी डी है 0.9 मीटर, ये आपने ए बी और सी डी को लिख लिया। अब उसके बाद बी ई देखिए, बी ई जो है वो बी डी और डी ई के बराबर है, तो बी डी का मान आपको मिल रहा है 4.8 मीटर, आपने यहाँ लिखा है, तो आप बी ई के जगह पर लिखेंगे 4.8 धन एक्स। फिर से देख लीजिए आप, ये बी डी 4.8 मीटर है और डी ई एक्स मीटर है, तो पूरा का पूरा बी ई आप लिखेंगे 4.8 धन एक्स बटे डी ई, हमको लिखना है डी ई का मान एक्स है। तो ये आपको एक समीकरण मिला जिसमें एक ही अज्ञात राशि है, और इसको यदि आप हल करें तो क्या मिलता है, देखिए आप 0.9 को 3.6 से कटाएंगे तो आपके यहाँ पर 4 मिलेगा, और x का पक्षांतर कर देंगे तो 4 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 4x। तो हम इस पूरे को यहाँ पर लिखें, हमको मिल रहा है 4x बराबर 4.8 धन x। इस x को आप बाईं तरफ ले आएँ तो ये हो जाएगा 4x ऋण x बराबर 4.8। इसको आप यहाँ हल करें, 4x में से x यदि घटता है तो आपको मिलता है 3x बराबर 4.8, और x बराबर मिलेगा 4.8 बटे 3, और ये हो जाएगा x बराबर 1.6 मीटर। तो ये जो x का मान मिला, आप देखिए x आपने माना था उस बच्ची की, उस लड़की की परछाई जिसको आप डी ई कह रहे थे, तो डी ई का मान आपको मिला 1.6 मीटर। तो ये आपका प्रश्न था कि डी ई कितना है, या लड़की की जो छाया बन रही है वो कितनी है, तो वो मान आपको मिल रहा है 1.6 मीटर या 1.6 मीटर। ये आपका आंसर है बच्चों। करके देखिए, इन त्रिभुजों में समरूपता की जांच कीजिए और बताइए कि कौन सी कसौटी का उपयोग हुआ। पहला है त्रिभुज एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स एन वाई जेड पर लंब है, और वाई एन की लंबाई 25 है और एन जेड की लंबाई 9 है, और शीर्ष लंब एक्स एन 15 इकाई के बराबर है। दूसरा, रेखाखंड के बी और टी ए दोनों एक दूसरे को ओ पर काटती हैं, इससे त्रिभुज के ओ टी और बी ओ ए बन रहा है। के ओ बराबर 12, बी ओ बराबर 6, ए ओ बराबर 9 और टी ओ बराबर 8 है। तीसरा, चतुर्भुज बी ए डी सी में ऐसी विकर्ण है और लंबाइयां क्रमशः ए बी बराबर 30, बी सी बराबर 36, सी डी बराबर 16 और डी ए बराबर 20 है, और विकर्ण ए सी बराबर 24 है। तो बनने वाले त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी की समरूपता जांचनी है। चौथा, त्रिभुज सी डी ई और त्रिभुज पी आर क्यू में कोण ई 70 अंश, कोण डी 50 अंश, कोण पी 60 अंश और कोण आर 70 अंश है, तो इनकी समरूपता की जांच करनी है।